एक उत्सुकता है मेरी कि इस पूरे मामले में देखा यह जा रहा है कि धर्म का राजनीति से टकराव हो रहा है, तो उस बारे में धर्म क्या कहता है? धर्म कहाँ तक राजनीति में हस्तक्षेप करे, या राजनीति को कहाँ तक धर्म में हस्तक्षेप करने दिया जाए? हमें ये बताइए कि जो राजनीति है यानी जो राष्ट्र है वो अधर्म से युक्त होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, भारत चोरी तो करना बिल्कुल अधर्म भी है, नहीं। अधर्म चोरी करना अधर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, पाप करना अधर्म है, दुराचार व्यभिचार सब बातें अधर्म में आ जाती है। तो क्या राष्ट्र अधर्म से चलना चाहिए? तो अगर राष्ट्र धर्म से चलना चाहिए तो राजनीति पर शासन किसका होना चाहिए? तो कहते हैं राजसत्ता पर धर्म सत्ता का शासन होना चाहिए। अब राजनीति में तो धर्म सत्ता कह सकती है, पर इससे विपरीत धर्म सत्ता में राजनीति का हस्तक्षेप कदापि मान्य नहीं। नहीं तो और दूसरी, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि जो वर्तमान शासक हैं उनको लगता है कि भाई राजनीतिक सत्ता हमारे पास है, आर्थिक सत्ता भी हमारे ही अनुचरों के पास है, तो धर्म सत्ता का भी नियंत्रण हम करें? तो उसके लिए ही तो कहा गया है कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमाना करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात कि अगर कोई राजसत्ता या फिर कोई राजनैतिक पार्टी, कोई भी हो चाहे वो, अगर वो यह चाहती है कि हमारी इच्छा से शंकराचार्य काम करे, हमारी इच्छा से शंकराचार्य बयान दे और हमारे इशारों पर चले, तो फिर शंकराचार्य पद की गरिमा क्या रह जाएगी? अगर शंकराचार्य पद की गरिमा स्थापित करनी है, अगर धर्म की स्थापना करनी है और धर्म से राज्य चलाना है, तो शंकराचार्य जो सुझाव दे रहे हैं, कम से कम धर्म के मामले में तो उनकी बात को समझा करो। आप राजनीति में चाहे जो करना चाहे वो करो, पर जो धर्म का विषय है, राम जन्मभूमि धर्म का विषय है, राम जन्मभूमि है यह साबित भी धर्म शास्त्रों से, हमारे शास्त्रों से, इतिहास पुराणों से हुआ है। तो उस विषय में भी अगर आप धर्माचार्यों की सलाह नहीं मानोगे, तो फिर ये दुर्दैव है, आपका दुर्भाग्य रहेगा। एक एक और उत्सुकता ये थी कि ये जो पूरा विवाद शुरू हो गया है, अब इसको इसका अंत एक तो कहाँ होगा, और दूसरा जो आपने कहा कि धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है, तो एक बार ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री ने सिंगोल जो है एक दंड की तरह एक संसद के अंदर रखा, तो अभी वो जो ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये जितने भी शंकराचार्य हैं उनके पास भी एक दंड होता है, तो ये आपको लगता है ये दंडों की लड़ाई एक नई शुरू हो गई है कि दो दंड हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, एक राजसत्ता ये और एक धर्म सत्ता? अगर मेरी जानकारी है, तब तक तो बात यह है कि जो उन्होंने दंड रखा है वो भी धर्म दंड ही है, वो राजदंड तो हम कह नहीं सकते, धर्म दंड ही है। दूसरी बात, दंडः शास्ति प्रजाः, दंड से ही प्रजा का शासन होता है, यह मनुस्मृति का भी वचन है। तो फिर आप जो धर्मदंड रखा है, उस धर्मदंड से धर्माचार्यों का ही विरोध करेंगे क्या? धर्माचार्य की ही बात नहीं मानेंगे क्या? और धर्मदंड रखने से क्या होता है? जैसे गुजरात में कानून तो बना दिया कि भाई ड्राई स्टेट है, पर इसका मतलब क्या सच में ड्राई स्टेट है या नहीं? तो आपने एक कानून तो बना लिया, वैसे दंड को भी दंड वही रह गया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। जब धर्म दंड की स्थापना हुई है तो धर्म कार्य में जैसे हम कहते हैं कोर्ट ने कोई आदेश दिया, तो कोर्ट का बिल्डिंग जो है वो तो आदेश देने से रहा, तो कोर्ट में जो बैठते हैं न्यायाधीश वो आदेश देता है। तो धर्म दंड रखने मात्र से क्या होता है? वो तो जड़ है। तो धर्म दंड मत रखना मतलब जो धर्माचार्यों का कथन हो उस पर चलना। अब धर्माचार्यों के कथन पर नहीं चल रहे तो धर्म दंड का कोई महत्व नहीं रह जाता।